नमस्कार दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ये मैकेनिकल का एक प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क ब्रेक का। ये एक तरीके से प्रोजेक्ट वर्क है जो प्रेजेंटली इंजीनियरिंग या डिप्लोमा कॉलेज में जो लड़के बीटेक या डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए है। और अभी हमने इस पर काम करना शुरू किया है, एक छोटा सा सैम्पल प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये बच्चों के साइकिल की व्हील ली है, ठीक है, और इस व्हील को हमने एक मोटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये एक बेल्ट लगी हुई है जो कि इसको रोटेट करती है। यहाँ साइड में देखिए एक ये मैग्नेट लिया हुआ है, ये मैग्नेट अपने हाथ से बनाया गया है। ये डिस्क है, ये डिस्क भी अपने हाथ से बनाई गई है, लगभग 2 mm मोटी है। और यहाँ पर एक स्विच हमने कनेक्ट कर रखा, 2-way स्विच है ये। और इसकी खासियत ये है कि जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें हमारी मोटर जो है ये स्टॉप हो जाती है और ये हमारा जो मैग्नेट है वो वर्किंग में आ जाता है। अच्छा, जैसे इसको हम रिलीज़ करते हैं तो ये मैग्नेट फिर से न्यूट्रल हो जाता है और व्हील वर्किंग में आ जाता है। मैं एक डेमो करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, हमने ये कनेक्ट किया और ये व्हील वर्किंग में आ गया। जैसे मैंने स्विच ऑन किया तो देखिए यहाँ पर इस मैग्नेट ने क्या किया, इस व्हील को चिपका लिया। और जैसे मैं रिलीज़ करता हूँ तो ये मैग्नेट ऑफ हो जाता है और व्हील मूविंग आ जाता है। फिर से जैसे मैंने इस स्विच को ऑन किया, ये मैग्नेट फिर से इस डिस्क को क्या करता है, चिपका लेता है, जिससे व्हील रुक जाता है। फिर रिलीज़ करता हूँ, जैसे मैं रिलीज़ करूँगा देखिएगा तो ये फिर से रनिंग में आ जाता है। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए, और जिस पर हमने अभी काम रिसेंटली स्टार्ट किया करना, जिससे हो सकता है कि फ्यूचर सुधर सके हमारा भी और आप लोगों का भी, जो बच्चे इंजीनियरिंग से जुड़े हैं और छोटे प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं या उनके पास किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है किसी भी नए प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो हमसे कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। और किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट बनवाना है तो बनवा सकते हैं, समझ सकते हैं आकर के, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल होगी, वहाँ पर आकर के देख करके डायरेक्टली हमें मेल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जो वाकई कुछ नया करना चाहते हैं, जैसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ नया बनाना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो हमसे संपर्क करते हैं तो हम उन्हें ज़रूर हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इसी के साथ नमस्कार।